एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। गाइस, आज मैं आपको स्मूथनिंग वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बताऊंगी। तो आज का ट्यूटोरियल है मैट्रिक से स्मूथनिंग कैसे करें, और अगर एक सिंगल यूज़ के लिए आप एक अफोर्डेबल स्मूथनिंग चाहते हैं तो आप मैट्रिक से स्मूथनिंग ले सकते हैं। ये है मेरे पास मैट्रिक की किट, जो ये सिंगल यूज़ के लिए है, और ये वैसे तो इसकी MRP 470 रुपीज़ है, लेकिन ये मुझे 400 की पड़ी है। अगर आपको ये क्रीम परचेज़ करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है मैट्रिक्स, और इसका पूरा डेमो मैंने किया हुआ है, आप मेरे वीडियो में आगे देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा है। काफ़ी कर्ली हेयर्स थे और उन्होंने पिछले साल में से स्मूथनिंग ली हुई थी, इस बार इन्होंने रिपीट कराया है, तो जो ग्रोथ है उस पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। आप वीडियो देखिएगा, ट्यूटोरियल क्या है, ओवरऑल सारा ट्यूटोरियल देखिएगा। तो इस तरह से ये सिंगल यूज़ के लिए मैट्रिक्स की आई है स्मूथनिंग क्रीम। ये है रेसिस्टेंस हेयर के लिए, मैंने इसको यूज़ किया है रेसिस्टेंस हेयर्स के लिए। नॉर्मल आता है और रेसिस्टेंस भी आता है। नॉर्मल हेयर जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा वेवी और कर्ली हेयर्स हैं, या फिर आपके वर्जिन हेयर है तो आप वहाँ कर सकते हो। और अगर हेयर सेंसिटिव हैं, पतले हैं और केमिकल ट्रीटमेंट हो रखा है तो आप रेसिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। मींस इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ होगी थोड़ी कम होगी तो आपको आसानी होगी करने में। तो ये है इसका मैट्रिक्स का स्मूथनिंग क्रीम। ये है इसका फर्स्ट क्रीम, जो हम मैंने हमेशा आपको ट्यूटोरियल में बताया है कि जो फर्स्ट क्रीम है वो बॉन्ड तोड़ने का काम करता है। तो इसको अप्लाई फर्स्ट टाइम करेंगे, उसके बाद आप प्रेसिंग करेंगे, और उसके बाद आप सेकेंड क्रीम अप्लाई करते हैं फॉर द न्यूट्रलाइजिंग पर्पज़ के लिए। तो ये है इसका, और आगे मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने इसकी स्मूथनिंग की है और रिज़ल्ट कितना ऑसम रिज़ल्ट आया है आप देख सकते हैं। और एक अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप चाहते हैं कि स्मूथनिंग करना, अपने आप भी करना, तो आप इस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोडक्ट है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो कंटिन्यू करती हूँ मैं अपनी वीडियो, और आप जो स्टेप्स है उसको ठीक से देखिए, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए और समझिए। क्योंकि कई बार कस्टमर्स ऐसे कहते हैं कि मैम फर्स्ट क्रीम सेकंड क्रीम कैसे लगानी है, क्या लगानी है, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कस्टमर्स को। तो आप पूरा वीडियो देखिए और फिर समझिए, फिर उसके बाद आप जो भी क्वायरीज हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आपको मेरे वॉइस से भी लग रहा होगा, लेकिन मेरा शेड्यूल था तो मैंने वीडियो बनाया है, और आगे हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ये है मैट्री ऑप्टी स्कर्प्ट एडवांस शेपिंग ट्रीटमेंट सिंगल एप्लीकेशन किट। इसमें बड़ा किट भी अवेलेबल है मार्केट में, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आप अगर परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से परचेज़ कीजिए। और ये इनका प्राइमरी हेयर्स है जिस पे आज हम काम करेंगे, और आप देखिए इनके कितने कर्ली और वेवी हेयर्स थे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है, मैंने हेड वॉश कर दिया है इनका। हेड वॉश के लिए मैंने मैट्रिक्स का ही शैम्पू यूज़ किया है, प्योरीफाइंग शैम्पू, और उसके बाद 50-60% ड्राइंग के बाद मैंने फर्स्ट क्रीम अप्लाई करनी है। क्योंकि ये स्मूथनिंग है, रिबॉन्डिंग नहीं है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्रेसिंग नहीं किया है। स्मूथनिंग में हेयर स्मूथ होते हैं, एकदम फ्लैट लुक नहीं आता है। तो ये फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर दिया है, जैसा आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा छोटे छोटे क्लिप्स डाले हुए हैं। और अप्लाई अब हेयर्स पे करने के बाद आपको बॉन्ड चेक करना है, अप्रॉक्सीमेटली 5-10 ड्यूरेशन के बाद, मिनट्स के बाद आपको बॉन्ड्स चेकिंग स्टार्ट कर देनी है। अराउंड 15-20 मिनट्स में इनके बॉन्ड ब्रेक हो गए थे, और उसके बाद मैंने ये इनका हेड वॉश कर दिया है। हेड वॉश के बाद मास्क अप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट क्रीम के बाद जो होता है हेयर्स हल्के से ड्राई हो जाते हैं, तो आपको मास्क अप्लाई ज़रूर करना है। इसके लिए आप मैट्रिक्स का ही मास्क अप्लाई कीजिए। 5-7 मिनट स्टे करने के बाद हेड वॉश, और हेड वॉश के बाद ड्राइंग। कंप्लीट ड्राइंग के बाद आपको सीरम अप्लाई करना है और प्रेसिंग स्टार्ट करनी है। जो प्रेसिंग मैंने की है वो मैंने आइकॉनिक मशीन यूज़ किया है इसके लिए। जो प्रेसिंग मशीन है
लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ से अगर आपको परचेज़ करनी है तो परचेज़ कर लीजिए। जो प्रेसिंग मशीन है इसका जो मैंने टेम्परेचर रखा है 220 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत जितनी अच्छी आप प्रेसिंग करेंगे रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा। बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं हेयर्स के और आप जो शेप दे दोगे हेयर्स की वही फाइनल लुक में आपके हेयर्स नज़र आएंगे। तो इस टाइम पे जो प्रेसिंग होती है उस पर हमेशा ध्यान दें और अच्छी प्रेसिंग मशीन यूज़ करें तो बेटर है। कई बार आता है, कमेंट करते हैं कस्टमर्स की, मैम मैं फ़िलिप्स की यूज़ कर लूँ। आप हमेशा वो प्रेसिंग मशीन यूज़ करें जिसमें सेरेमिक कोटिंग हो और जो आपके हेयर्स को प्रोटेक्शन के साथ साथ अच्छी फिनिशिंग और एक अच्छा शाइन प्रोवाइड करता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको आइकॉनिक ही यूज़ करनी है, किसी भी ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ख्याल रखें। जो फर्स्ट क्रीम कंप्लीशन के बाद मैंने प्रेसिंग के बाद जो है वो मैंने आपको हमेशा बताया भी है, सेकंड क्रीम अप्लाई करनी है। तो ये मैंने सेकंड क्रीम एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है, इसे न्यूट्रलाइजिंग क्रीम भी कहते हैं। और जो आज का ट्यूटोरियल है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आप चाहते हैं घर पे भी करना चाहते हैं स्मूदनिंग तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ओनली 400 रुपीज़ में आप स्मूदनिंग कर सकते हैं। मैट्रिक्स कंपनी प्रोफेशनल कंपनी है। केवल क्रीम की परचेजिंग में हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में आपको जैसे पता है कि कॉपी बहुत सारी मिल रही हैं, पैकिंग सेम रहेगी लेकिन प्रोडक्ट अलग होता है, तो इसका ख्याल हमेशा रखें। जो प्रोफेशनल चीज़ें यूज़ करें प्रोफेशनली जगह ही यूज़ करें और उसके रिव्यूज़ ज़रूर देखें अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने सेकंड क्रीम अप्लाई कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप पूरे हेयर्स पे करने के बाद मैंने अराउंड 5 to 10 मिनट ही स्टे किया था। और हेड वॉश के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है। इससे पहले मैंने लॉरियल के सारे प्रोडक्ट, स्टिक्स की, मैट्रिक्स के भी डाले हुए हैं, रिबॉन्डिंग और स्मूदनिंग के ट्यूटोरियल, आप वहाँ से मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। एक अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप एक बहुत अच्छी स्मूदनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आज ये ट्यूटोरियल डाला है, आप इसमें से देख सकते हैं। ओनली 400 रुपीज़ में आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, अपने वेवी हेयर्स को, कर्ली हेयर्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। और सेकेंड क्रीम 5 to 10 मिनट स्टे करने के बाद मैंने ये हेड वॉश कर दिया और आप रिज़ल्ट देखिए ब्लो ड्राइंग के बाद कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है इस प्रोडक्ट का। आप सब ज़रूर बताइएगा कि ये स्मूदनिंग का रिज़ल्ट कैसा है और आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन है प्रोसेस में तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसकी कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं तुरंत आपको आंसर कर पाऊँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही फॉलो कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये ब्लो ड्राइंग कर रहे हैं फाइनली और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है स्मूदनिंग का। प्रोसेस बहुत सिंपल है, केवल आप बातों का ख्याल रखिए प्रोसेस कैसे करते हैं। तो आप कोई भी प्रोसेस घर पे भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि मैम हम घर पे कैसे करें क्या करें, सेम प्रोसेस आप घर पे भी कर सकते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक, आप देखिए कितने स्मूद और सिल्की हेयर हो गए हैं इस प्रोडक्ट से। तो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, प्रोसेस पूरा आप समझ गए हैं। कभी भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह कैसा लगा आपको ये रिज़ल्ट। थैंक यू सो मच, बाय।